हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेमोरी मेमोरी ये मेमोरी क्या होती है मेमोरी होती है यादाश्त सोचने की शक्ति इन द ह्यूमन बॉडी मैमरी इज द फैकल्टी ऑफ द ब्रेन बाय विच इन्फॉर्मेसन इज रिट्रीव वैन नीडिड लिख के बताती हूँ आपको मैमरी इज द फैकल्टी ऑफ द ब्रेन by which information is retrieved when needed जो भी हमारे दिमाग में कुछ स्टोर हुआ है जब भी हमने उस चीज़ को याद करना है जहाँ उस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि जो हमने कभी पहले देखा था हमें आज वही चीज़ चाहिए कि हमने उस समय क्या देखा था जो याद शक्ति है जो पुरानी चीज़ों चूज़ें चीज़ें जो हमारी पहले हमारे दिमाग में फ़िक्स हो चुकी थी हमने उनको दोबारा से रिमाइंड करना है तो दैट इज़ कॉल्ड अ मेमरी ओके okay, तो जब हमने दोबारा से वापस अपने दिमाग में लेना है तो दैट इज कॉल्ड द रिट्रीव्ड ओके दिस इज द मेन वर्ड रिट्रीव्ड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ पर होती है कंप्यूटर के दिमाग में तो कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है सी पी यू कौन सा है सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके तो कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जहाँ उसकी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आज हमने बात करनी है तो सबसे पहले क्या है कंप्यूटर की मेमोरी है सी पी यू में तो सी पी यू में कहाँ पर इसकी मेमोरी स्टोर होती है यह होती है स्टोरेज डिवाइसेस में कहाँ पर स्टोरेज डिवाइसिस ओके okay. तो आज हम बात करते हैं कि ये स्टोरेज डिवाइस क्या होती है ए कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑल द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड इन इट्स हार्ड डिस्क ठीक है और अपार्ट फ्रॉम द हार्ड डिस्क सी डी डी वी डी एंड पेन ड्राइव आर आल्सो यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली ओके तो दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, क्लियर तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस होती है ना वो होती है कौन कौन सी होती है हार्ड डिस्क सी डी और क्या होती है पेन ड्राइव और क्या होगी मेमोरी कार्ड भी होता है मेमोरी कार्ड रैम रोम देर आर मैनी स्टोरेज डिवाइसिज दैट इन days डेज वी यूज टू स्टोर data, डेटा hmm? तो जो कंप्यूटर की ये जे, जे जो हैं वो सारी हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो मेमोरी इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और परमानेंटली कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स स्टोरेज मेमोरी बोल लो या कंप्यूटर मेमोरी बोल लो तो हम इसको क्या बोल करते हैं हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कैसे फर्स्ट इज़ द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज़ द सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैं लिख रही हूँ ना आप ऐसे अपने ड्रॉ कर सकते हो तो अब ड्रॉ करोगे ना फिर आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं Hmm? तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है इट इज़ द मेन मेमोरी ये क्या है इट इज़ द मेन मेमोरी विच इज़ प्री डिफाइंड इन अ कंप्यूटर इट इज़ वेयर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड जो कंप्यूटर में पहले ही लगी होती है और उसमें सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है ठीक है However, it इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है ज़्यादा नहीं होती मीन इसकी जितनी लिमिट है हम उतना ही डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं तो प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नाउन एज इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल का मीनिंग जो सीपीयू के अंदर लगी होती है ठीक है सी पी यू के अंदर लगी होती हैं बिकॉज सी पी यू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ठीक है computer, तो प्राइमरी मेमरी को हम करते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट इज़ द रैम एंड सेकेंड इज द रोम तो रैम द फुल फॉर्म इज़ रैंडम असेस मेमरी के इट्स फुल फॉर्म देयर इज द रोम रोम का मीनिंग क्या होता है रीड ओनली मैमरी एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रैम रैम क्या होती है रैम स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इनफॉर्मेशन टैम्परेरली वैन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर जब भी आप सपोज़ करो लाइट चली जाती है काम करते करते ठीक है तो जहाँ अचानक से कोई गलती से ही कई बार हाथ लग जाता है मेन स्विच को तो कंप्यूटर बंद हो जाता है कई बार रीस्टार्ट के ऊपर टच हो जाता है तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया मेन बंद हो के रीस्टार्ट हुआ है ना तो जब भी कंप्यूटर ऑफ़ हो जाता है अचानक से या टर्न ऑफ हो कुछ भी आप बोल लो ठीक है तो उसका जो क्या होता है कि द इंफॉर्मेशन एंड डाटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट वो सारा डाटा क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा मीन वो सेव नहीं होगा व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिनस लोडिंग इन टू रैम ठीक है तो जब दोबारा से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो उसने रैम को फिर से दोबारा लोड करना शुरू कर दिया क्योंकि डाटा उसमें स्टोर हुआ नहीं है तो हमारे पास वापस आएगा नहीं ठीक है तो एनी सॉफ्टवेयर दैट रनस ऑन ए कंप्यूटर आल्सो गेट्स लोडेड इन टू रैम ठीक है कोई भी डाटा कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो पहले रैम से ही लोड होता है तो रैम इज़ कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रोम रोम क्या है रोम इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट जिसमें से आप डाटा को सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर सिर्फ रीड कर सकते हो मीन रीड ओनली है ना रीड का तो मीनिंग यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं उसमें चेंज कुछ नहीं कर सकते ठीक है रीड ऑल मेमोरी ठीक है तो बट कैन नॉट राइट ऑन इट आप उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते मीन उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम कैनॉट बी चेंज ठीक है तो द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस रोम इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन कंप्यूटर जो भी आप इसमें स्टोर करते हो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में ठीक है तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर सप्लाई इज़ टर्न्ड ऑफ ठीक है, चाहे लाइट चली भी जाती है ना फिर भी जो जो डाटा होता है ना जब हमने एक बार सपोज कर हमने उसको फाइल को सेव कर दिया तो उसमें डाटा कभी भी लॉस्ट नहीं होता ठीक है तो हम इसको क्या करते हैं रोम को हमने डिवाइड करना है थ्री पार्ट्स में कितने में वन टू एंड थ्री थ्री पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है फर्स्ट इज कार्ड पी रोम सेकेंड इज कार्ड द ई पी रोम एंड थर्ड इज ई ई पी रोम ठीक है थ्री पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट पी रोम पी रोम इज स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके सेकंड इज कार्ड द ई पी रोम ई पी रोम का मीनिंग होता है इरेजेबल, इरेजेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है और थर्ड है ई ई ई पी रोम तो इट मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ठीक है ये पूरी आ जाएगी इरेजेबल रीड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ओनली मेमरी ठीक है एट फर्स्ट वी विल डिस्कस वट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी तो ये क्या होती है ये होती है द कंटेंट ऑफ द मेमरी कैन बी मॉडिफाइड बाई ए प्रोग्राम ओनली वंस सिर्फ एक बार ही हम इसको अपने जो कंटेंट लिखा हुआ है डाटा लिखा हुआ है वो हम सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकते हैं ठीक है सेकेंड है इरेजेबल मीन डाटा कैन बी इरेज एंड री रिटर्न ऑन इट दोबारा से हम कर सकते हैं मीन उसको एक बार चेंज हो गया हम दोबारा से फिर उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है डाटा कैन बी इरेज और री रिटर्न ऑन इट यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज ठीक है इलेक्ट्रिकल चार्ज नाओ आई विल डिस्प्ले द पिक्चर ऑफ रैम And the picture of ROM. This is a picture of RAM. This is a picture of ROM. Now I will give one more example for the RAM. Uh, to understand the functioning of RAM, uh, you will remember that uh, how a blackboard and a calculator work. Whenever एनी न्यू डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इज़ रिटर्न ऑन दीज लाइक ब्लैक बोर्ड एंड कैलकुलेटर द ओल्ड वन इज़ इरेज फॉर एवर जैसे कि जब हम ब्लैक बोर्ड पर जहाँ अपने कैलकुलेटर पर अगर कुछ हमने लिखना है डाटा लिखा है तो जब हम उसके ऊपर न्यू डाटा लिखते हैं तो वो पुराना वाला डाटा इरेज हो जाता है न एज़ इट इज़ जब रैम के ऊपर कुछ भी डाटा हमने लिखा है कुछ काम किया है जब तक हमने सेव नहीं करना तो तब तक वो डाटा क्या होता है जब लाइट ऑफ हुई है तो डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है तो आप लोग इस सारी फिगर्स को अच्छी तरह से लर्न कर लो और जो मैंने नेक्स्ट न्यू वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्लियर करूँगी ठीक है ओके बाय